शिक्षक से आतंकी बने मोहम्मद आरिफ शेख का घर स्टेट लैंड पे बनाया गया था, जिसमें वीरवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस रियासी व रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलके उसे ढहा दिया है। आपको मैं पूरी जानकारी मैं बता दूं, शिक्षक से आतंकी बने मोहम्मद आरिफ शेख का घर बरसनाल गुलाबगढ़ में स्टेट लैंड पे बनाया गया था। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से स्टेट लैंड पे बनाया गया आतंकी मोहम्मद आरिफ शेख का घर को वीरवार को ढहा दिया है। आपको बता दें, आतंकी घटनाओं के आरोपी मोहम्मद आरिफ कटरा के कटमाल में हुए बम ब्लास्ट व जम्मू नरवाल में हुए बम ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार है। कटरा के कटमाल में हुए स्टिकी बम ब्लास्ट में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि जम्मू के नरवाल क्षेत्र में हुए बम ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद इसकी जो है वो पूरी छानबीन की जा रही थी। जिसके बाद इस जांच में ये पाया गया था कि रियासी जिले के गुलाबगढ़ इलाके के बनसाल क्षेत्र का रहने वाला शिक्षक मोहम्मद आरिफ शेख को गिरफ्तार किया गया था, और मैं आपको बता दूं सरकार ने उसे तत्काल बर्खास्त किया गया था। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई ये है कि ये जो आतंकी है, इसका जो मकान है वो स्टेट लैंड पे बनाया गया था, जिसमें वीरवार को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जिला पुलिस रियासी से मिलके अवैध तरीके से बनाए गए इस निर्माण को ढहा दिया है। कैमरे के पीछे हैं शाहिद, मैं रामस्वरूप शर्मा। इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।